टिपूर पौर्णिमानिमित्त आयोजित रामटेक गड मंदिर परिसरात कार्यक्रम बघून येताना मृतक विवेक खोब्रागडे व त्याचा साथीदार यांच्या गाडीचा कट मनीष भारती व त्याचा साथीदार यांना लागला. त्या कारणामुळे मृतक विवेक खोब्रागडे व त्याचा साथीदार फैजन याच्यासोबत भारती व त्याच्या साथीदारांनी मारपीट केली. त्यामध्ये विवेक खोब्रागडे गंभीर जखमी झाला असून त्याचा दुसऱ्या दिवशी मृत्यू झाला. पौनीचं गड मंदिर निघले तर 7 बजे 8 बजे वहां पोहोचे. 8 बजे भी थोड़ा देर वहाँ रुक कर हम वापस आ रहे थे. आधे रास्ते में फिर ये लोग मिले हमको, इसने हमारी गाड़ी रोका. 4-5 लोगों ने मिल के सीधा हमको गाड़ी से उतारा और सीधा गाड़ी क्यों ठोक के गया करके सीधा मारना शुरू कर दिया. आगे फिर वो मारा पीटी और फिर वो नाम वाम पूछे कहाँ रहता है. फिर उसमें का एक बंदा आया, उसने पूछा कौन है, नाम है, मैंने अपना नाम बताया तो कटवा और ये तुम लोग यहाँ कैसे आ गए ये पूछा. फिर वो बोले अगर कुछ हुआ बोले तो तुमको यही पहाड़ी से फेंक देंगे, नहीं तो यही मेरे गाड़ी से पेट्रोल निकालने गया, वो पेट्रोल निकला नहीं तो वो बोले तो जला के यही ख़त्म कर देंगे ना. बोलो पैसे, फिर थोड़ी देर के बाद बोले वो तेरे मैटर सॉल्व करना है क्या, पैसे दे बोले मेरा जितना खर्चा होगा उतना. फिर उसने भाई को बुलाया, फिर भाई से लिया 10,000. फिर हमको उसके बाद पैसे वैसे मिलने के बाद फिर उसने हमको जाने दिया. घटनेची गंभीर दखल घेत रामटेक पोलिसांनी आरोपी मनीष भारतीवर गुन्हा नोंद करत त्याला अटक केली. काल मंगळवारी नागपूर पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी सुद्धा घटनास्थळी भेट देत मृतकाच्या कुटुंबातील लोकांची भेट घेतली. 25 तारीख को ये घटना जो है वो हुई थी. 25 तारीख को विवेक खोब्रागडे और उनके एक मित्र जिनका नाम फजान है, ये दोनों रामटेक मंदिर के शोभा यात्रा के लिए गए हुए थे तकरीबन 7:30 के आसपास. उसके बाद शोभा यात्रा के बाद लौटने के दौरान उनका झगड़ा आरोपियों के साथ हुआ. झगड़े का जो मूल कारण था वो दोनों के गाड़ियों के बीच में धड़क के वजह से झगड़ा जो है वो उत्पन्न हुई. जो दोनों गाड़ियां हैं डैमेज्ड वो भी पुलिस ने सीज की है. इसके वजह से दोनों के बीच में एक फिजिकल झगड़ा भी हुआ जिसमें कि फजान और विवेक खोब्रागडे जो मैयत हैं उनको इंजरीज आई. उसके बाद ये घटना जो है वो उस दिन पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट नहीं की गई. अगले दिन विवेक खोब्रागडे जो मैयत हैं उनकी मौत जो है वो इंटरनल इंजरीज मतलब स्प्लीन में इंजरीज के वजह से हुई. जैसे ही ये घटना को पुलिस स्टेशन पर 26 तारीख को रिपोर्ट किया गया, इमीडिएटली आरोपी जो है जिसमें से एक जो मेन आरोपी है भारती बोल करके है उन्हें और दो और जो उनके साथ लोग थे उन्हें डिटेन किया गया. और जैसे ही FIR दाखिल हुआ उसके बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया. गाडीच्या धडकमुळे विवाद झालेल्या घटनेला काही लोक जातीवादी रंग देत आहेत, असं करू नये असे आवाहन पोलीस विभागातर्फे करण्यात आले आहे. रामटेकहून शेखर पाटील यांची रिपोर्ट VKB न्यूजसाठी.